हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुलदीप सिंह राठौड। वेलकम इन इंजीनियर्स वाला। आई होप सो गाइज, आप सबके लिए जो भी नोटिफिकेशन, अपडेट या इन्फॉर्मेशन अगर आती है तो आप उनमें फॉर्म को फिल कर रहे होंगे और अपने डेडिकेशन के साथ अपने प्रिपरेशन को भी कंटिन्यू कर रहे होंगे। गाइज, आप सबको पता है, आप लोग के लिए कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी अपडेट, कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर आती है तो इंजीनियर्स वाला के प्लेटफॉर्म पर आपको टाइमली बेसिस पर मिल जाती है, जिससे कोई भी अपॉर्चुनिटी आपकी मिस ना हो। गाइज, यहाँ पर अगर हम देखें आज का नोटिफिकेशन, उड़ीसा स्टेट, अगर आप यहाँ पर देखेंगे, उड़ीसा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अंदर आई है। और यहाँ पर अगर आप देखो इंडिकेटिव एडवर्टाइजमेंट हुआ है, कंबाइंड टेक्निकल सर्विसेज रिक्वायरमेंट एग्जामिनेशन CTSRE 2024 फॉर ग्रुप बी पोस्ट सर्विसेज अंडर डिफरेंट डिपार्टमेंट और एंड हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा। तो उसके अंदर काफी सारे डिपार्टमेंट्स में रिक्रूटमेंट हो रही है, जिसमें आप देखोगे जूनियर इंजीनियर सिविल अंडर द इंजीनियर इन चीफ पब्लिक हेल्थ उड़ीसा भुवनेश्वर के अंदर 365 वैकेंसीज है, जिसमें से वुमेन के लिए 122 वैकेंसीज रिजर्व है। यहां पर जो भी स्टूडेंट्स है उनके स्टूडेंट के क्वालिफिकेशन होने चाहिए डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग और एनी इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द उड़ीसा काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग। यहाँ पर आपको जो सैलरी मिलेगा, ग्रुप बी लेवल 9 का सैलरी मिलने वाला है, एज पर उड़ीसा के जो रूल है उस हिसाब से। जूनियर इंजीनियर सिविल अंडर द, अगर आप देखेंगे डायरेक्टरेट ऑफ फिशरीज उड़ीसा कटक, अगर आप देखो यहाँ पर 15 वैकेंसीज है, 5 वैकेंसीज वुमेन के लिए रिजर्व है। यहाँ पर भी आपका डिप्लोमा होना चाहिए इंजीनियरिंग में। यहाँ पर कोई भी ब्रांच मेंशन नहीं करी हुई है। यहाँ पर अगर आप देखोगे जूनियर इंजीनियर सिविल लिखी हुई है, यहाँ पे सिविल लिखी हुई है, तो उस हिसाब से आपको यहाँ पर डिप्लोमा होना चाहिए इंजीनियरिंग में। इक्विलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम द इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज बाय द उड़ीसा काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग, तो आप यहाँ पर एलिजिबल हो जाते हो। यहाँ पर भी लेवल 9 का आपको सैलरी स्ट्रक्चर मिलेगा। एज लिमिट अगर आप देखेंगे तो एज लिमिट आपकी मिनिमम 21 ईयर होनी चाहिए, मैक्सिमम 38 ईयर होनी चाहिए। और ये जो एज लिमिट है ये 1 जनवरी 2024 के हिसाब से काउंट होगी। अगर आप SC ST SC BC वुमेन PWD एक्स सर्विसमैन कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो जो भी गवर्नमेंट की गाइडलाइन है उस हिसाब से आपको एज रिडक्शन भी मिलेगा। ये एडवर्टाइजमेंट जो है ये इंडक्टिव इन नेचर है और प्रोविजनल है, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी मेंशन किया हुआ है, उस हिसाब से आपका ब्रेकअप ऑफ वैकेंसीज और जितनी भी चीज़ें हैं, एग्जामिनेशन का पैटर्न, सिलेबस, प्लान, इनका डिटेल एडवर्टाइजमेंट आएगा वेबसाइट पर, तो वहाँ पर आपको ये मिल जाएगा। अभी इन्होंने अपना एक शॉर्ट नोटिस की तरह चीज़ें रिलीज करी है, तो सारी इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, केवल नंबर ऑफ वैकेंसीज और कौन से पर्टिकुलर यहाँ पर एलिजिबिलिटी है और डेट, एज लिमिट, ये सब मेंशन किया है। बाकी जो भी है, जैसे मान लो अगर आप सिलेबस, प्लान, पैटर्न ऑफ एग्जाम, ये सब की बात करें तो डिटेल एडवर्टाइजमेंट जब आएगा तो उसकी, उसके ऊपर आपको डिटेल मिल जाएगी। डेट ऑफ एक्टिवेशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अगर आप देखेंगे तो पोस्ट जो है वो नोटिफाइड होगी डिटेल एडवर्टाइजमेंट में, वो उसकी वेबसाइट रहेगी www.ossc.government.in, और कैंडिडेट जो है वो एडवाइज रहेंगे कि आप इस ऑफिशियल वेबसाइट पर रेगुलरली विजिट करें, जिससे कि आपको सारी चीज़ें, इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। बाकी आप इंजीनियर्स वाला के प्लेटफॉर्म पर बने रहिए, वहाँ पर भी आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी जब भी इस एग्जाम के रिलेटेड कोई भी अपडेट आएगा। इसके अलावा आप कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, अगर आपको नोटिफिक एप्लीकेशंस में कोई प्रॉब्लम है या फिर आपको फॉर्म फिलिंग में कोई भी इश्यू होता है तो आप कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल पर पूछ सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू।